सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त विनायक दुबे और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेंटे। बहुत दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया था, क्या मतलब महीने हो गए मुझे, 3-4 महीने हो गए वीडियो अपलोड एक भी नहीं कर पाया हूँ मैं। इसका एक मेन रीज़न ये है क्योंकि क्या मेरे स्कूल रीओपन हो गए थे, तो उसमें क्या मेरे को स्कूल में फिर एग्जाम और इन सब चीज़ों में बहुत बिजी हो गया था, तो मैं बिल्कुल वीडियो की यूट्यूब की तरफ ध्यान नहीं दे पाया। पर गाइस, अब जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल रेगुलरली आएंगी और चैनल बिल्कुल एक्टिव रहेगा। और गाइस, आपका बहुत बहुत थैंक यू क्योंकि मेरे एक 1K सब्सक्राइबर हो गए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और गाइस, मैं आई होप कि आप सब लोग अपने घर में सेफ होंगे क्योंकि हम अंदर कोरोना हुआ। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली क्योंकि वीडियो का जो टॉपिक है वो है फ्री फायर से रिलेटेड। और जो टॉपिक ये है कि आप अपने फ्री फायर को अपने कंप्यूटर या पीसी में कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्री फायर जो है सिर्फ अभी मोबाइल के लिए अवेलेबल है, पीसी या कंप्यूटर के लिए वो अवेलेबल नहीं है अभी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन पबजी का लेते हैं, पबजी जो है वो मोबाइल के लिए भी अवेलेबल था और पीसी के लिए भी, तो पबजी वालों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। पर फ्री फायर में ऐसा नहीं है, फ्री फायर सिर्फ मोबाइल के लिए अवेलेबल है, पीसी के लिए नहीं है। तो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप अपने फ्री फायर को अपने पीसी में कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे आप अपने फ्री फायर को पीसी में खेल सकते हैं। और गाइस, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो भी लाइक कीजिए। सो गाइस, अब हम हमारे कंप्यूटर में आ चुके हैं, कंप्यूटर स्क्रीन में, और अब हम कुछ देख सकते हैं इस तरह। सबसे पहले आपको इसमें अपना का ब्राउज़र है, क्रोम या मोजिला है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं इस समय, तो आप अपने उसको खोल सकते हैं। और गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सर्च करना है ब्लूस्टैक्स, ये देख सकते हैं आप। जैसे मैंने सर्च किया ब्लूस्टैक डाउनलोड फॉर पीसी, आपको सर्च करना है सबसे पहले। जैसे आप इसको सर्च करेंगे, फर्स्ट या सेकेंड वाली वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे तो आप वो ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा वेबसाइट का। इसके बाद आप इस ट्राई ब्लूस्टैक्स पर क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। वो डाउनलोडिंग स्टार्ट होने के बाद क्या होगा कि इसको आप से डाउनलोड करके इसको ओपन कर सकते हैं और आप इसको रन कीजिए। रन करने के बाद आपको इसमें कुछ परमिशन मांगेगा, तो आप परमिशन इसको यस कर सकते हैं और इसको इंस्टॉल नाउ पर क्लिक यस कर सकते हैं। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है ब्लूस्टैक्स की। तो इसको ये डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद आपको मैं आगे का बताऊंगा, जैसे ये डाउनलोडिंग कंप्लीट होने हो जाएगी उसके बाद। सो गाइस, अब जो है डाउनलोडिंग कंप्लीट होने वाली है, और डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है और अभी इंस्टॉलिंग चल रही है, इसमें इंस्टॉलिंग हो रही है अभी, और इंस्टॉलिंग भी कंप्लीट होने वाली है। आप देख सकते हैं इसमें बता रहा है इंस्टॉलिंग इंजन एंड 85% 90% हो चुकी है। अटका हुआ। तो भाई साहब, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, इसकी इंस्टॉलिंग भी कंप्लीट हो गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एंड्रॉयड इज स्टार्टिंग यहाँ पर शो हो रहा है। इसका मतलब जो है हमारा ये ब्लूस्टैक्स का जो सॉफ्टवेयर है ये हमारे कंप्यूटर में सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको अपना साइन इन करना है, जो भी आपका ईमेल या जो भी है आपका, आप उसको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है फ्री फायर, इसको आप इंस्टॉल पर क्लिक कर सकते हैं। ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था, ये सब कुछ मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था। इससे पहले मैंने आपको ब्लूस्टैक्स से डाउनलोड कराया, वो भी 500 MB का कुछ था। और फ्री फायर भी आप देख सकते हैं 700-750 MB का है, दस में मेरा बहुत नेट खर्च हुआ, बहुत मेहनत लग जाती है वीडियो में, उसके लिए प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। ऑप्शन आ रहा है ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, उसका यहाँ पर कन्फर्म कर देना है। और यहाँ पर कुछ छोटा सा इंस्टॉलिंग डाउनलोडिंग हो रही है, इसको हो जाने दीजिए, अपडेट होगा। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी लॉगिन कर सकते हैं, जैसे मेरा फेसबुक से है तो मैं फेसबुक लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ।
भाई साहब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कंटिन्यू कर दिया है शांत, और मेरी फेसबुक लॉगिन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे मेरी आईडी भी वापस आ गई है। आईडी आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लोडिंग चल रही है। अब हम कोई भी एक मैच स्टार्ट करके देखते हैं, तो हम लोग उसमें भी मैच सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्लैश स्क्वाड का बरमुंडा कर लेते हैं हम लोग अभी एक टेस्ट के लिए। उसके बाद अब हम कोई भी एक मैच स्टार मैच खेल के देखेंगे। क्लैश स्क्वाड करते हैं बरमुंडा का, तो हम उसको स्टार्ट कर देते हैं। मैच स्टार्ट हो रहा है, अब देख सकते हैं थोड़ा सा फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद फिर फास्ट होने लगेगा। अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो गाइस हम मैच में आ चुके हैं और अब देख सकते हैं मैच भी स्टार्ट हो चुका है। अब आप लाइव प्रूफ है आपके सामने, आप देख सकते हैं कि मैं अपने कंप्यूटर में फ्री फायर खेल रहा हूँ आपके सामने, आप सब कुछ देख सकते हैं यहाँ पर। तो गाइस आपको कैसी लगी वीडियो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर आपको कहीं पे कुछ भी डाउट है या कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट डाउन में आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और गाइस इसमें जो कंट्रोल सिस्टम कुछ ऐसा है कि आप देख सकते हैं, आप सबसे पहले गोली आप अपने माउस के लेफ़्ट बटन से दबा सकते हैं और स्कोप अपने माउस के राइट बटन से लगा सकते हैं। आप उचकना चाहते हैं तो आप स्पेस बटन जो है आपके कीबोर्ड में उससे उचक सकते हैं। भागना चाहते हैं तो आप शिफ्ट बटन से भाग सकते हैं। आगे होना चाहते हैं तो W दबा सकते हैं, पीछे होना चाहें तो S दबा सकते हैं, लेफ़्ट साइड होना चाहें तो A, उसके बाद राइट साइड तो D, उसके बाद बैठना है आपको तो आप सीधा दबा सकते हैं। हर चीज़ के ऊपर आपको यहाँ पर मार्किंग दिख रही होगी। उसके बाद आपको अगर अपना ग्लू वॉल यूज़ करना है या ग्रेनाइट फेंकना है तो आप अपने यहाँ पर 5 नंबर दबा सकते हैं। यहाँ पर शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने अभी ग्लू वॉल या ग्रेनाइट परचेस नहीं किए हैं इसलिए। और आपको अगर अपनी मेडी बांधना है तो आप 4 नंबर दबा सकते हैं। अपना बैग खोलना है तो टैप बटन दबा सकते हैं। तो गाइस आपको कैसी लगी वीडियो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर आपको कहीं पे कुछ भी डाउट है या कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट डाउन में आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा और आपकी जो प्रॉब्लम है मैं उसको सॉल्व भी करूँगा। और गाइस अब आप नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।